गुलशन मुस्तफ़ा दरगाह कमेटी के तत्वावधान में छावनी स्थित जलाल शाह बाबा का सालाना उर्स गुरुवार को कुल की रस्म के साथ संपन्न हुआ। बुधवार रात महफिल कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर कव्वाल नौशाद शोला सरवाड वालों ने बेहतर कव्वालियों की प्रस्तुति दी। उर्स के दौरान ब्यावर सहित अनेक जगह के जायरीनों ने शिरकत कर अकीदत के फूल पेश किए और खुशहाली व अच्छी बारिश की दुआएं की। कव्वाल नौशाद ने इतना दिया मेरे गोश्त ने मुझको ये कलाम पेश कर अकीदतमंदों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद मेरे ख्वाजा बादशाह के साथ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की शान में कलाम पेश किए। उन्होंने बहती है अमन की गंगा बहने दो, हमारे छत पर एक तिरंगा रहने दो जैसे कलाम के साथ कौमी एकता का संदेश दिया। कव्वाल नौशाद ने अली मौला जैसे कलाम पेश कर देर रात तक अकीदतमंदों को रोके रखा। देर रात तक चली महफिल कव्वाली में कव्वालों ने बाबा के दरबार में एक से बढ़कर एक कव्वालियां पेश की। प्रचार मंत्री पप्पू पहलवान ने बताया कि कमेटी की ओर से कव्वाल पार्टी व अतिथियों का साफा पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस दौरान कमेटी के आमीन कागजी कमरुद्दीन बाबा, सचिव मोहम्मद फारूक खान लोधी, मेला संयोजक बाबू भाई डीजे, सलीम पठान, मोइनुद चिश्ती, अनवर हुसैन, पीनू मोहम्मद, इमरान वली मोहम्मद, मोहम्मद हुसैन तथा मुजावर उल्ताफ हुसैन आदि मौजूद रहे। गुरुवार दोपहर में कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन किया गया। इस दौरान दस्तारबंदी की गई। कुल की रस्म से पूर्व अकीदतमंदों की ओर से बाबा के मजार पर चादर पेश की गई। चादर का जुलूस छावनी क्षेत्र से शुरू होकर ढोल नगाड़ों के साथ बाबा की दरगाह पहुंचा। इस दौरान मुस्लिम युवाओं तथा महिलाओं ने चादर पेश की तथा अकीदत के फूल पेश करते हुए अमन चैन की दुआएं की।